तत्वज्ञानी जीवों, पांच भावों को लेकर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है, जिसमें औपशमिक तथा क्षायिक भाव के ऊपर हमारी चर्चा हुई है। और दो कक्षा के पूर्व हमने क्षायिक भाव भी पूर्ण किया है। औदिक भाव को हमने कल से देखना प्रारंभ किया है, जिसमें औदिक भाव के 21 भेदों में से चार गति की चर्चा हमारी हुई है। गुणस्थान अपेक्षा पहले हम चर्चा करेंगे, हे उपादेयता तत्वों में घटित करने का हम उसको प्रयास करेंगे। देखिए, मनुष्य, देव, त्रियंश, नरक, चार प्रकार की गति। कल काफी खुलासा किया था मैंने गति और आयु के बीच में, आपको ख्याल में है सब अच्छे से? एक प्रश्न आया था अभी, उसको मैं फिर से यहां पर ले लूं। मैंने कल कहा था 146 प्रकृतियां बंधने योग्य होती है और 148 प्रकृतियां उदय में आने योग्य होती है। वे दो प्रकृतियां कौन सी है जो बंधती तो नहीं है लेकिन उदय में आती है? वे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दो प्रकृतियां हैं। क्योंकि जो अभव्य होगा उनके कभी भी सत्ता में ये टुकड़े नहीं पाए जा सकते। और ध्यान रखना, यह चर्चा जो चल रही है वो अधिक से अधिक की बात चल रही है। 146 अधिक से अधिक कर्म बन सकते हैं। एक जीव को तो कभी बनते ही नहीं इतने 146। क्यों नहीं बन सकते? अभी अभी मैंने कहा था, चारों आयु बंधेगी क्या? उसको बंधेगी चारों आयु? बंध ही नहीं सकती। इसका मतलब यह हुआ 146 ज्यादा से ज्यादा जो बन सकते कह रहे, वो एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीव की अपेक्षा चर्चा है। और उदय में आने योग्य 148 प्रकृतियों की जो चर्चा है वह भी नाना जीवों की अपेक्षा कथन है। ठीक है, अब गति का, गति गुणस्थान में हम डाल के देखते हैं। मनुष्य गति कौन से गुणस्थान तक होती है आप बता पाएंगे मुझे? वैसे चर्चा हमको ये करनी है, गति कौन से गुणस्थान तक होती है। तो गति का ही विभाजन हम इस प्रकार करें, मनुष्य गति कौन से गुणस्थान तक होती है? 14। बहुत अच्छा, मनुष्य गति 14वें गुणस्थान तक होती है। मनुष्य गति का उदय 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है, बिल्कुल राइट। आप टेबल बना सकते हो, गति और गुणस्थान, और ऊपर लिख सकते हो उदय अपेक्षा, उदय अपेक्षा, ये चार्ट बन रहा है। तो त्रियंश गति का उदय कौन से गुणस्थान तक आ सकता है? 5वें। बहुत अच्छा, 5वें गुणस्थान। देव गति का उदय कहां तक आ सकता है? चौथे। नरक गति का? चौथे तक आ सकता है उदय। ठीक है, अभी वास्तव में खरेखर हाँ, ये उदय की अपेक्षा चर्चा हुई, अभी हम बंध की अपेक्षा चर्चा करते हैं। हमें तीनों की चर्चा करनी है, उदय, बंध और सत्ता। अभी बंधन की अपेक्षा विचार करें। नरक गति का बंध कब तक हो सकता है वो गुणस्थान अपेक्षा बताओ, इसका भी अलग सा चार्ट बनाओ। इस चार्ट के ऊपर क्या लिखेंगे? उदय की अपेक्षा बनाएंगे, अब बंध की अपेक्षा। अब बंध की अपेक्षा लिखेंगे, तो एक तरफ गति और एक तरफ गुणस्थान। तो लिखेंगे नरक गति, नरक गति का बंध कहां तक हो सकता है? बस पहला ही गुणस्थान में हो सकता है नरक गति का। तिर्यंज गति का बंध कहां तक हो सकता है? अभी थोड़ा समझने लायक है। तिर्यंज गति का बंध दूसरे गुणस्थान तक हो सकता है। ठीक है, तिर्यंज गति का बंध कहां तक हो सकता है? आई एम वेरी सॉरी, पहले गुणस्थान में ही नरक गति का बंध और तिर्यंज गति का बंध, हाँ, दूसरे गुणस्थान तक। बराबर बोला मैंने, दूसरे गुणस्थान तक। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में
ये दो गतियां नहीं बंधेगी, नरक और तिर्यंच। और इवन दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव है ना सासदन संयुक्त, वह भी डैश डैश गति नहीं बांधता, नरक गति नहीं बांधता। नरक गति मात्र पहले गुणस्थान में बनती है, और तिर्यंच गति पहले दो गुणस्थान में बनती है। और तीसरे गुणस्थान को लेकर कोई बंध, कोई कर्म का बंध विशेष नहीं होता, ठीक है, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा चौथे गुणस्थान की अपेक्षा विचार करें तो यहाँ पर मनुष्य नरक और तिर्यंच गति तो बन सकती नहीं, तो यहाँ पर मात्र दो गतियां बन सकती, देव गति और मनुष्य गति। सो उसमें भी समझ लो मनुष्य गति कहाँ तक बन सकती है, मनुष्य गति पांचवे गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान तक बन सकती है। क्या कहा मैंने? मनुष्य गति चौथे गुणस्थान तक बांध सकता है जी, देव गति सातवें तक, ठीक है, बांध सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सातवें के पर प्रथम भाग तक बांधता रहेगा, ठीक है। चलो अब ये सत्ता की अपेक्षा लिखना है अभी आपको। तीसरा चार्ट कौन सा बनना है? सत्ता की अपेक्षा। बोलो चौबीस दंडक और कहा है चौबीस दंडक, हाँ वो क्या है, वो प्रकरण फर्क की क्या बात है, क्या प्रश्न, प्रश्न क्या है मूल में वो बताओ। चौबीस दंडक है, उसमें क्या लिखा है? उसमें यही सब है कुछ नहीं, दंडक मतलब होता है समूह, तो कोई प्रकरण है वो चल रहा है नहीं, इसमें कोई समस्या है क्या? वहां पर कोई अलग विवक्षा है क्या गुणस्थान की? नहीं ना, बैठिए अब मुझे दिखाना वो प्रकरण, ठीक है, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा कुछ विशेष बात होगी तो। अभी सत्ता अपेक्षा लिखो आप, सत्ता अपेक्षा चार्ट बनाओ। सत्ता अपेक्षा में आप लिखेंगे किसकी सत्ता कब तक, नरक गति की सत्ता चौथे गुणस्थान तक ही रहती है। एक मिनट, देखिए सत्ता में ना नवे गुणस्थान में नरक गति और तिर्यंच गति इनका अभाव हो जाता है, इसका मतलब उनकी सत्ता कब तक कहेंगे? आठवें गुणस्थान तक कहेंगे। आठवें गुणस्थान तक नरक गति और तिर्यंच गति की सत्ता है, ठीक है। और देव गति की सत्ता, देव गति लिखेंगे चौदहवें गुणस्थान का उपांत्य समय, और मनुष्य गति की सत्ता सत्व चौदहवें गुणस्थान का अंतिम समय। प्रकरण समझ में आ रहा हो तो बोलो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई, दूसरे गुणस्थान तक ही बंद होगा, लेकिन पहले बांधा हुआ है वह जीव बाद में आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा और सत्ता में तो अभी पड़ा है, उसके बाद में क्षायिक सम्यक तो कर लिया, उपशपक श्रेणी चढ़ने लग गया। तो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है ना, क्षायिक सम्यक तो किया वाला जीव, अभी क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला था, उसने आठवें गुणस्थान के प्रथम भाग में नरक गति और तिर्यंच गति सत्ता में से भी क्षय कर दी। आप समझने का प्रयास करो, इसलिए मैं तीन चर्चा कर रहा हूं, बंध, उदय और सत्ता। बंधना खत्म हो गई इसका मतलब सत्ता में पड़ी नहीं रह गया, ऐसे थोड़ी है।
समझ रहे, जैसे अरहंतों का ही उदाहरण ले रहे हैं अभी हम, अरहंतों की 85 प्रकृतियां सत्ता में है, कितनी 85 प्रकृति, आपने देखा था एक दिन याद आ रहा है, 63 प्रकृति का नाश हुआ है अरहंतों के, 85 प्रकृतियां सत्ता में है, लेकिन बांध कितनी प्रकृतियां रहे हैं, बांध एक ही प्रकृति रहे हैं, कौन सी, सातवेदनीय बांध रहे बस, लेकिन बांध सातवेदनीय रहे, लेकिन पहले बांधी हुई सत्ता में तो पड़ी है ना, जैसे जैसे आज यशस कीर्ति नाम कर्म प्रकृति का उदय है, लेकिन सत्ता में तो अयशस कीर्ति भी पड़ी है, क्या अरहंत का उदय कौन सा चल रहा है, मनुष्य गति, गतियों में, लेकिन सत्ता में देव गति भी पड़ी है उनके, सत्ता में पड़ी है, और 14वें गुणस्थान के उपांत्य समय में उसका क्षय होगा, उपांत्य समय मतलब समझ में आया, सेकंड लास्ट समय, मैंने आपको बताया था 85 प्रकृतियां सत्ता में रहती है अरहंतों के, कितने, ये तुम बैठा करो तुरंत, मैं भूल गया कहना, तुम बैठा करो, अभी नोट्स थोड़ी बना पाए तुम इतनी देर, तुम प्रश्न पूछा करो और बैठा करो तुम, तुम्हारा अरहंतों के कितनी प्रकृतियां मैंने बताई थी सत्ता में, 85 याद आ रहा है, 63 प्रकृति आपने चौक चौघाती कर्मनाशी हमने बात को भी लिया था है ना, तो मुझे कहना यह है कि 85 प्रकृतियां सत्ता में है तो उसका नाश कब होगा, तो मैंने कहा था 13वें गुणस्थान में भी नहीं होता, 14वें गुणस्थान के सेकंड लास्ट समय में 72 प्रकृतियों को होता है, और लास्ट अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का नाश होता है, तो सेकंड लास्ट समय में देव गति का अभाव होता है, और सत्ता में पड़ी है बस, उसकी उसकी बात चल रही है, अरे सत्ता में 85 प्रकृति में बोलूं मैं आपको, स्थावर अपर्याप्त भी पड़ी है, क्या कहा मैंने, सत्ता में भगवान के क्या क्या पड़ी है, भगवान के अपर्याप्त पड़ी है, नीच गोत्र पड़ा है, अयशस कीर्ति पड़ा है सत्ता में, और नाम कर्म में अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, दुस्वर, ये सब पड़ा है उनकी सत्ता में, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब 85 प्रकृतियां जो सत्ता में है, ये उसमें अशुभ भी कितनी प्रकृतियां है, लेकिन उदय में थोड़ी आएगी वे, आप समझ गए मेरी बात को, तीन अपेक्षा अपन लिखा रहे, उदय बंध सत्ता, उदय में क्या लिखाया बिना देखे बोलो, उदय में क्या लिखाया, आप ही ने तो सब उत्तर दिए थे उसमें, बैठो आप ही ने उत्तर दिए थे, बंद का कहां तक बोला था मैंने, क्या बोला था बोलो, चौथे गुणस्थान तक बंद हो सकता है, मनुष्य गति का चौथे गुणस्थान तक, देव गति का सातवें तक बन सकता है, ठीक है हाँ, और त्रयंच गति का दूसरे तक, और नरक का पहले में ही, ठीक है, और अभी सत्ता की बात क्या लिया अपन ने, यदि कोई क्षपक है इसमें भी उपशमक नहीं लेना, क्यों, उपशमक लेने में क्या दिक्कत है, उपशम श्रेणी वाला उसकी सत्ता में पड़ा रहता है, वो दबाता जाता है, ठीक है, तो क्षपक है वो क्षय करता जाता है, तो क्षपक के 8वें गुणस्थान 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में तिर्यंज गति और नरक गति दोनों का सत्ता क्षय हो जाती है, और देव गति की 14वें अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान के उपांत्य समय में, और मनुष्य गति की अंतिम समय में, ये चार गति का वर्णन आपको समझ में आ रहा हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, चलना है आगे, चलू चलता हूं है ना, कषाय की तरफ बढ़ूंगा फिर मैं अभी, हाँ देखिए अभी कषाय की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं, कषाय की अच्छा हाँ, इसमें और एक प्रश्न देखते हैं अपन, इसमें एक प्रश्न देखते फिर बढ़ते हैं अपन कषाय की तरफ, देखिए पहले तो यह विचार करो आप, उदय में आने वाले कर्म कितने हैं, 148 और औदयिक भाव कितने बता रहे हैं, 21, तो जितने कर्म का उदय है उन संबंधी औदयिक भाव चाहिए ना उतना, तो 21 ही कैसे बताया इन्होंने, तो पहले तो एक सामान्य बात लिख लो, 148 प्रकृतियों में से आयु संबंधी जो चार प्रकृतियां है वे भव विपाकी है, आयु संबंधी चार प्रकृतियां भव विपाकी है,
फिर गत्यानुपूर्वी संबंधी जो चार प्रकृतियां है वे क्षेत्र विपाकी है। ठीक है, लिख दिया। और नाम कर्म संबंधी 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 62 प्लस 4 प्लस 4 = 70 प्रकृतियां। इन 70 प्रकृतियों का वास्तविक रूप से जीव के परिणामों के साथ कुछ भी संबंध नहीं होता। 70 हो गई ना, 62 प्लस 4 प्लस 4 = 62 है ना वो, इसलिए वास्तविक रूप से उनका जीव के भावों के साथ कुछ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। इसलिए उन संबंधी औदयिक भाव भी नहीं होता। इसलिए औदयिक भाव मात्र, कितनी प्रकृति रही अभी, 78 रही, मात्र 78 प्रकृति संबंधी ही होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए सब। यहां पर ध्यान दीजिए, आज चले कहां गए सब मंगलार्थी? सो रहे क्यों? आज के उठाए नहीं गए किसी ने? इतने जन सो रहे हैं? चलो ध्यान दीजिए। अभी मैंने अभी क्या बोला, ये जो मैंने 62 प्रकृतियां बोली है ना, ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। पुद्गल विपाकी मतलब समझ में आया? जैसे 5 शरीर, अभी आपको 2 साल के बाद पढ़ना है, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है। 5 शरीर, 5 संघात, 5 बंधन लिखे नहीं है। अब तो ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए सब। यहाँ पर लिखो मत कोई, अभी समकित थोड़ा ध्यान दो। अभी यहाँ पर प्रकरण समझो पहले। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? औदयिक भाव 148 क्यों नहीं है? यदि कर्म का उदय 148 कर्मों का है तो उस संबंधी भाव 148 होने चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, खरेखर 70 प्रकृतियों का उदय को लेकर जीव के परिणामों के साथ कोई निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं होता। जैसे हमको ये शरीर मिला, उसको लेकर जीव में कोई औदयिक भाव नहीं होता, क्योंकि परद्रव्य है, तद्दन जुदा पदार्थ ही है। ठीक है, अभी आयु, आयु के कारण दोनों एक क्षेत्रावगा में रहे, उसके कारण भी जीव में कोई भाव नहीं होता। वैसे जीव में भाव होता है वो राग द्वेष को लेकर होगा, इसलिए उन संबंधी औदयिक भाव भी नहीं होता। कौन सा रंग है हमको, कौन सा कलर मिला, 20 प्रकृतियां रंग संबंधी, स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी, उन संबंधी भी सचमुच उनको लेकर जीव को राग द्वेष नहीं होता। उन संबंधी मोह को लेकर राग द्वेष होता है, मोह राग द्वेष को। आप समझ में आए मुझे क्या कहना है? तो इसलिए उपचार से 70 प्रकृतियों संबंधी औदयिक भाव है उपचार। खरेखर विचार करें तो मात्र 78 प्रकृतियां रही जिनको लेकर औदयिक भाव होता है। तो 78 में से 47 तो घाती कर्म ही है, 27 तो जीव विपाकी कर्म है नाम कर्म में से। क्या कहा? 27 जीव विपाकी। कितनी हो गई टोटल? 27 और 48, 47 कितनी हो गई? 27 74 हो गई। अभी 2 वेदनीय की और 2 गोत्र की कितनी हो गई? समझ में आ गया आपको अच्छे से? अभी क्या कहा, कौन कौन से कर्म संबंधी औदयिक भाव होता है लिख लो। अभी ये सुनिए, ये गाइड में सब लिखा है। ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ अभी, ये प्रश्न 13-14 प्रश्न है, ये जो करा रहा हूँ मैं 13वां 14वां प्रश्न, आप घर पर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें, कौन कौन से कर्म के उदय संबंधी औदयिक भाव होगा जीव को?
बोलिए बोलो। 47 घाती कर्म संबंधी होगा। नाम कर्म की जो जीव विपाक की 27 प्रकृतियां होती है, कितनी? 27 जीव विपाक की प्रकृतियां, समझते हो? जीव विपाक की मतलब जिनका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। वेदनीय की 2, गोत्र की 2, हो गई 78 प्रकृतियां। पकड़ में आ रहा है? थोड़ा और लिखना है आपको। देखो एक चार्ट बनाओ जो मैं कह रहा हूं। 148 कर्म प्रकृतियों का विभाजन लिखो आप, लिखिए। एक मिनट है, ऐसे लिखिए। 4 प्रकार के कर्म में पुद्गल विपाकी, एक मिनट, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है ना, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, उनका 2 रूप में विभाजन होता है। एक जीव विपाकी 27 और पुद्गल विपाकी 62, कितनी हो गई? 62 और 27 और 4 गत्य अनुपूर्वी वाली है, क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है अभी। आप चार्ट बनाओ, चलो बड़ा चार्ट बनेगा इसको, आप पहले समझ लो फिर लिखने का देख लेना। वैसे गोमटसार कर्मकांड में हूबहू एक चार्ट छपा है, तो मैं आपको चाहो तो बाद में पेज नंबर बताऊंगा, आप समझिए सब यहाँ पर। ए ध्यान दीजिए, देखो अभी समस्ते 148 कर्मों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो 148 प्रकृतियों में जो भव विपाकी प्रकृतियां है वे 4 है। कौन कौन सी? नरक आयु, मनुष्य आयु, तिरंच आयु और देवायु। आयु को कहते हैं भव विपाकी प्रकृति, उसके निमित्त से जीव का और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध बना रहता है उतने काल के लिए। लाख कोई चाहे उनका संयोग छुड़ाए छूट नहीं सकता, और समय होने के बाद कोई लाख चाहे इनका संयोग बनाए रखे बना रह नहीं सकता, इसको कहते हैं आयु। ओके, उसको आचार्य देव ने उदाहरण दिया काठ के खोड़े समान, मतलब जेल समान, जेल में डाल दे किसी कैदी को, निकल सकता है क्या? वो बंदी हो गया। उसी प्रकार आयु कर्म बहु विपाकी कितनी प्रकृतियां हो गई? 4। अभी 4 होती है क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। क्षेत्र विपाकी मतलब नरक गति अनुपूर्वी, नहीं सुना? ये आपको पहले पढ़ना चाहिए था अच्छे से, उन स्थान में पढ़ाए, लेकिन आपको प्रवेश कभी तो हुई है। नरक गति अनुपूर्वी, तिरंज गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी और देव गति अनुपूर्वी। क्या है ये गति अनुपूर्वी? देव गति प्राप्त होने के पूर्व विग्रह गति में जो क्षेत्र जीव घेर लेगा, प्राप्त करेगा, वो कौन से निमित्त से? तो वो कह रहे क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृति के निमित्त से। जैसे नरक के पहले, नरक गति के पहले जो होगा उसको कहेंगे नरक गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति के पहले जो होगा मनुष्य गति अनुपूर्वी। तो 148 प्रकृतियों में से 4 प्रकृति क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां है, जिनके उदय के निमित्त से विग्रह गति में क्या स्थान होगा जीव का, उस गति में जाने के पूर्व उसको निश्चित करता है। समझ में आ गया? अलग सा फिर कभी उसको समझेंगे कर्मों को, अभी तो हमको इसको देखेंगे। ये क्या क्या हो गया? क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। अभी जीव विपाकी प्रकृतियां, जीव विपाकी प्रकृति में आपको इतना करना है, ये तो घाती कर्म की जितनी भी 47 प्रकृतियां है, ये सब के सब जीव विपाकी प्रकृतियां है। घाती कर्म संबंधी 47 प्रकृतियां, ये भी जीव विपाकी है, और नाम कर्म संबंधी 27 प्रकृतियां, वे भी जीव विपाकी है पूरी, ठीक है? अभी अंतिम कॉलम लिखेंगे पुद्गल विपाकी, जिसमें लिखेंगे नाम कर्म संबंधी कितनी प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है, नाम कर्म संबंधी कितनी प्रकृतियां पुद्गल, 62। पुद्गल विपाकी मतलब क्या? जिसका उदय पुद्गल रूप होगा कुछ, जैसे शरीर आया है, शरीर हुआ है ना, तो पुद्गल विपाकी प्रकृति है। इसका जीव के परिणामों के साथ संबंध नहीं है, इसका संबंध इस शरीर के साथ है, इसलिए इसको पुद्गल विपाकी प्रकृति कहते हैं। पुद्गल विपाकी कितनी होती है प्रकृतियां? 62। चलना है आगे, समझ में आ रही है प्रकरण? तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हमने क्यों देखा था ये विभाजन? क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारा प्रश्न था औदयिक भाव 21 क्यों, तो मैंने कहा था अभी औदयिक भाव 21 जो है वो कितने में से ही बनेंगे? मात्र 78,
क्योंकि पुद्गल विपाकी, भव विपाकी तथा क्षेत्र विपाकी, इन संबंधी कोई कर्म को लेकर औदेक भाव नहीं होंगे, उपचार से कहे जाते हैं। तो 78 प्रकृतियों को किसमें गर्भित, किसमें डालना है हमको, 21 में निश्चित करना है। तो हमने चार गति कहा, तो चार गति में क्या क्या गर्भित हो गया, चार गति में क्या क्या गर्भित हो गया, चार गति में सुनिए, चार गति में नाम कर्म संबंधी जो 27 प्रकृति है ना, नाम कर्म में 27 प्रकृति जीव विपाकी कही कि नहीं अपन ने, तो उसमें गतियां भी थी 27 में। तो इस चार गतियों में वे बची हुई नाम कर्म की प्रकृति जीव विपाकी, वे भी इसमें गर्भित हो जाएगी, संपूर्ण 27 प्रकृतियां, मतलब गति के अलावा और 23 प्रकृतियां है जीव विपाकी, कितनी 23 जीव विपाकी प्रकृतियां है, वे भी इसमें गर्भित हो जाएंगी। तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी ये 27, चार गति मतलब चार नई प्रकृतियां देखना इनको, इनको कितनी देखेंगे आप 27 प्रकृतियां देखेंगे, और भी 23 प्रकृतियां है जीव विपाकी, समझ में आ गया ये, कितने जन समझ पा रहे। और क्या क्या गर्भित होगा इसमें, दो वेदनीय की और दो गोत्र की, ये भी गर्भित हो जाएगी इसमें। इस प्रकार चार गति में कितनी गर्भित हो गई प्रकृतियां 31, समझ में आया। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, वेदनियों को और गोत्रों को कैसे इसमें गर्भित कर लिया, वेदनियों को और गोत्रों को कैसे गर्भित कर लिया गति में, क्योंकि वे भी गोत्र और वेदनीय ये भी जीव विपाकी प्रकृतियां है। क्या कहा, जीव विपाकी प्रकृति। अभी अपन ने जो गिनाया था वहां पर, उसमें वेदनीयायु नाम गोत्र तो गिना ही नहीं अपन ने, वेदनीयायु गोत्र, वेदनीय और गोत्र तो गिना ही नहीं अपन ने अभी, जो नहीं वो चैप्टर में चार्ट में अभी नहीं गिनाया, 148 प्रकृतियां है ना, उसमें अपन ने नहीं गिनाया ना, भूल गए अपन। तो वहां पर उस चार्ट में लिखो जीव विपाकी प्रकृति में बड़ा और दो वेदनीय और दो गोत्र, समझ में आ रहा है चार्ट अच्छे से। यहां पर गोमट सार कर्मकांड का गाइड है, कितने होंगे सत्ताईस और ये 31, ये किसमें गर्भित हो गई गतियों में। हम क्यों देख रही है, क्योंकि भाव है 21 और कर्म कितने बचे हैं 78, तो हमको गर्भित करना है ना। हमने ये पद्धति पहले से आजमाते आ रहे हैं अपन, कहा देखी थी हमने ये अभिक्षाभिषमिक भाव में भी देखी थी हमने, 13 प्रकृतियों के बदले में हमने कितना देखा थी एक, कौन सी बराबर। तो हमको इसमें भी लगाना पड़ेगा ना, अभी दो मिली क्या, अब पहले ही चाहिए आपने को, एक मिनट में तुरंत ही आप ही को देता हूं, तो आप सब चार्ट देख सकेंगे, इसको बड़ा चार्ट है, देखिए खोलिए, ये गोमट सार कर्मकांड की गाइड है, ये लो भाई मुझे तो आवश्यक नहीं, आप इनमें बैठे सब में, हाँ सब मिल के देखो भाई, हाँ अभी चार्ट देख रहे हो सब अच्छे से, ये दिख रहा है चार्ट, क्यों स्वर्णिम आपने चश्मा क्यों पहनना बंद कर दिया है, अरे किसने कहा ये, अपने डॉक्टर से पूछा क्या, अच्छा चलो ठीक है, चार्ट देख रहे हो आप अच्छे से, तो उसमें अभी अभी समझ में आएगा अच्छे से आपको, वहां पर जीव विपाकी प्रकृतियों में एक तो घाती कर्म संबंधी 47 दिख रही होगी, है क्या, हाँ तो बोलो, दिख रही है, एक तो नाम कर्म संबंधी 27 दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, नहीं होगा भाई ऐसा, लाओ यहां पर, देखो यहाँ पर लिखा नहीं, नहीं इन्होंने, अब पेन है आपके पास, पेन दो मुझे, हाँ ये पेन है क्या, पेंसिल है क्या अपने पास, अच्छा चलो पेंसिल है, सुनो सुनो यहाँ देखो,
पीछे भी दिखाना भी, ये इज इक्वल टू 27 प्रकृतियां है ये कुल, ठीक है जी विपाकी। और ये 27 प्रकृतियां है, ये है कुल 62 प्रकृतियां है, कितनी ये तो लिखा ही है नीचे। चलो देखो आगे करो अभी सब, ये तो है ही 93, ये ज्ञान और दर्शन और मोहनी है और अंतरा ये, तो ये मिलके बराबर 48 हो जाएगी, 148 सॉरी 47 प्रकृति हो जाएगी घाती कर्म संबंधी। कौन कौन सी पंडित जी? ए अब बैठो मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए देखो, नाम कर्म की जीव विपा की कितनी प्रकृतियां है? 27 प्रकृतियां है, 27 कितनी? 27। उनको दिखाओ जो मैंने दिखाया, पीछे दिखाओ मैंने क्या लिखा है वो दिखाओ, ठीक है समझ में आ गया आपको? और नाम कर्म की पुद्गल विपा की कितनी है? 62 प्रकृतियां है। मेरा यह प्रश्न है जीव विपा की प्रकृतियां घाती कर्म संबंधी कितनी है? घाती कर्म की जितनी प्रकृतियां है ना सभी जीव विपा की ही होती है, क्योंकि किसी का भी उदय पुद्गल में थोड़ी आता है, जीव के स्वभाव पर आवरण लाती है ना वो, सबकी सब जीव विपा की प्रकृतियां ही है वे घाती कर्म की प्रकृतियां, उससे सहयोग नहीं मिलते घाती कर्मों से, हमको सहयोगी भाव होते हैं। और अघाती कर्म है ना, अघाती कर्म उनमें से किसी से मिलता है सहयोग और किन्हीं से मिलता है सहयोगी भाव, तो सहयोगी भाव किन से मिलता है बताना जरा मुझे, सहयोगी भाव किन से मिलता है? सहयोगी भाव मिलता है वेदने की दो, गोत्र की दो और नाम कर्म की 27, समझ में आ गया सहयोगी भाव, इसलिए तो उसको जीव विपा की प्रकृति कह रहे हैं, समझ गए? सहयोग मतलब पुद्गल विपा की प्रकृतियां, सहयोगी भाव मतलब जीव विपा की प्रकृतियां, ठीक है चलना है आगे बोलो भाई। हाँ ही जीव विपा की प्रकृति है वो, जीव विपा की ही प्रकृति है 47 घाती कर्म, उनके निमित्त से हमको सहयोग नहीं मिलते, उनके निमित्त से हमको भाव मिलते हैं, भाव सहयोगी भाव मिलते हैं, इसीलिए तो उसको जीव विपाकी कहा जाता है। और अघाती कर्म के निमित्त से हमको क्या मिलता है? सहयोग और सहयोगी भाव दोनों, तो सहयोग मतलब ये 62 प्रकृति है पुद्गल विपाकी, ये सहयोग है, और वेदनीय की दो, गोत्र की दो और नाम कर्म की 27, ये जीव विपाकी प्रकृतियां है, इनको सहयोगी भाव कहेंगे। बैठिए समझ में आ रहा है? आप और एक चार्ट बनाइए, लिखो एक तरफ घाती कर्म एक तरफ अघाती कर्म, और घाती कर्म के नीचे लिखो इनसे सहयोगी भाव मिलते हैं, और अघाती कर्म से कर्म में वहां पर दो ब्रांच करो, और दो ब्रांच में लिखो सहयोग और फिर लिखो सहयोगी भाव, बस समझ में आ रहा है आपको? और सहयोगी भाव घाती कर्म, घाती कर्म से क्या मिलता है भाई? सहयोग मिलता है क्या? सहयोग मिलता है क्या घाती कर्म से? वही कैसे मिलेगा? सहयोगी भाव मिलते हैं, मोह राग द्वेष अज्ञान ये सब मिलता है उससे, मिथ्यात्व असंयम ये सब मिलता है। चलो और हो गया ये, तो कहाँ तक बढ़े हम? कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर प्रश्न है कुछ पूछो भाई, समझ में नहीं आया तो पूछो, एकांश पूछो प्रश्न। हाँ बोलो बोलो बोलो, वही से पूछ लो। गाइड में ऐसे अगर एडिशन करें तो ये कुल 44 हो रही है क्या? अरे भैया मेरे, अरे भैया ये वेदनीय है, वेदनीय कोई घाती कर्म थोड़ी है, घाती कर्म तो अंतराय है। ओके ठीक हो जाओ भाई, ठीक हो जाओ, समझ में आया इन्होंने क्या गलती करी? समकित इन्होंने पहले 4 की टोटल कर दी और बोल रहे 47 नहीं, लेकिन वह क्रम घाती अघाती रूप में नहीं लिखा गया है, वह क्रम वो ज्ञानवरण दर्शन और वेदनीय मोहनीय आयुष्क नाम गोत्र अंतराय इस रूप में है वो क्रम, इसलिए अब धोखा खा गए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, क्या पेज नंबर है उसमें? 108 क्या?
108 और 109 पेज है. अभी जो नई गवर्नमेंट सर कर्म कांड गाइड छपी है उसमें पेज नंबर थोड़े आगे के होंगे, फिर 111 12 15 होंगे कुछ. चलो ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भाई. अभी है कोई प्रश्न? क्या मूल में क्या प्रश्न है हमारा? एकांश आप पहले तो गलत बोल रहे सब. औदयिक मत बोलो, औदयिक. औदयिक भाव 21 और कर्म कितने हैं? 148. 148 में से कितने की छुट्टी की हमने? 70 की तो छुट्टी कर दी. पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी की. जीव विपाकी रहे. जीव विपाकी में अभी अभी क्या लिया हमने? 31 प्रकृतियों को चार में गर्भित कर लिया है. अभी क्यों कर लिया वेदनी और गोत्र को गर्भित? क्योंकि वे भी जीव विपाकी प्रकृति थी. आप समझते हो, वेदनीय और गोत्र भी जीव विपाकी प्रकृतियां है. स्वर्णिम मतलब हम जो ये कहते हैं ना, ए यहां ध्यान दो सब, मैं पूछूंगा फिर, नहीं आया तो आपको. देखो इसका मतलब हम जो कहते हैं ना कि ये हमको बहुत पैसा मिला साता वेदनी के उदय से और गरीबी मिली असाता के उदय से, ऐसा नहीं है सचमुच. क्योंकि वो पुद्गल विपाकी प्रकृति है ही नहीं उसमें. सत्यार्थ बात यह है, यदि कोई झोपड़े में रहते हुए भी उसको सुख का अनुभव कर रहा है, सुख का वेदन कर रहा है, कोई चिंता नहीं, आराम से आ रहा है, 8 बजे खा पीकर बिल्कुल सो रहा है, तो उसको सातवेदनी का उदय चल रहा है बोल रहे. इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही फील. वो क्या अनुभव कर रहा है? यदि सुख अनुभव कर रहे तो सातवेदनी, मतलब पूरा सातवेदनी ये जीव के परिणामों की तरफ से है मूल कथन. और हम कहां से लगाते रहते हैं? पुद्गल विपाकी लगाते रहते हैं. है वो जीव विपाकी प्रकृति. तो जीव विपाकी प्रकृति और गति भी कौन सी प्रकृति है? गति भी जीव विपाकी प्रकृति है. इसलिए गति में सभी समस्त ये प्रकृतियां गर्भित कर ली जीव विपाकी प्रकृतियां. समझ में आया? इसलिए इनको वो औदयिक भाव, चार औदयिक भाव में ये सब प्रकृति गर्भित हुए. गोत्र में ले लो अभी थोड़ा. गोत्र में भी जो हम कहते हैं ना उच्च गोत्र नीच गोत्र, ऐसा भी नहीं है. यदि कोई जैन शराब आदि पिए तो कर्णन योग ये कहेगा वो उच्च गोत्र नहीं, वो नीच गोत्र वाला है. क्योंकि गोत्र आचरण से संबंधित है. आचरण मतलब अंदर के परिणाम मृदु हो तो वो उच्च गोत्रपनी की निशानी है, और यदि परिणाम मृदु न हो तो वो नीच गोत्र वाला है. फिर कौन से कुल में बाहर जन्मा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाहर का कुल यदि देखेंगे तो कौन सी प्रकृति हो जाएगी गोत्र कर्म? कौन सी? पुद्गल विपाकी हो जाएगी. और बोल कह रहे परिणामों की तरफ से बोल रहे, जीव विपाकी प्रकृति बोल रही है. कितने जन पकड़ पा रहे भाई बात को? ये पूरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम में आपको तैयार करना है पूरा. बस फर्क इतना ही पड़ेगा, मैं थोड़े विस्तार से बता रहा हूँ आपको. ये प्रश्न है ना 13वां और 14वां प्रश्न, उसका चल रहा है मेरा अभी. ठीक है, सुनिए अभी सब. ये हो गई चार गतियों में इंक्लूड कर दिया अभी हमने. अभी आगे बढ़ू मैं एक बार थोड़ा सा और अपन समझ ले इसको. हाँ बोलिए. मृदु मृदु सॉफ्ट परिणाम यदि विशुद्ध हो, विशुद्ध नहीं समझ में आया. परिणाम यदि तीव्र हो तो उसको उच्च नीच गोत्री कहेंगे. परिणाम यदि विशुद्ध हो तो उसको उच्च गोत्री कहेंगे. परिणामों की तरफ से गोत्र है, क्योंकि माँ बाप की तरफ से गोत्र लगाएंगे तो क्या आपत्ति आएगी बोलो? समूर्छन जीवों का कैसे गोत्र लगाएंगे फिर? देवों नारकियों का कैसे गोत्र लगाएंगे? क्योंकि उनके माँ बाप ही नहीं दे. और देवों के उच्च गोत्र कहा, नारकियों के नीच गोत्र कहा, उनके है क्या माँ बाप? आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, पहले तो हम इस प्रश्न को आज पूरा करें. 31 को किस में गर्भित किया? चार में गर्भित किया. अभी चार कषाय की तरफ बढ़ो. चार कषाय की तरफ बढ़े बोलो. पता है मुझे, लेकिन उसके बीच में प्रश्न अपन ले रहे हैं इसको, उसके बिना नहीं बढ़ सकेंगे उस तरफ. अभी कषाय में क्या क्या गर्भित है? कषाय कितनी है यहाँ पर? चार. इन चार कषाय में हम कितनी प्रकृतियां गर्भित कर सकते हैं बोलिए? 148 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियां गर्भित कर सकते हैं चार कषाय में? बोल सकते हो आप? बोलिए. कौन सी प्रकृतियां?
पहले तो यह निश्चित हो जाए कि 148 कर्म प्रकृतियों में कौन सी प्रकृतियों के उदय में ये कषाय का औदिक भाव होगा, कौन से कर्म के उदय के निमित्त से यह औदिक भाव होगा कषाय का, कौन से कर्म के उदय से कषाय उत्पन्न होती है, मोनीय, मोनी की कौन सी प्रकृति, कितनी प्रकृति लेंगे? अभी इसमें थोड़ा एक काम करना, 28 तो वह आएंगे नहीं क्योंकि वो तीन प्रकृतियां तो दर्शन मोह की है और नौ नौ कषाय की कोई अलग सी प्रकृतियां है नहीं, आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? हाँ हाँ है बराबर। क्या क्या कहा मैंने, 28 प्रकृतियां है कुल, कितनी, तीन प्रकृतियां कहाँ चली गई, दर्शन मोह की। अब 25 प्रकृतियां रही, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्षनावरण चतुष्क, प्रत्यक्षनावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और नौ नौ कषाय, 25 प्रकृतियां है ये, और कषाय में हमको डालना है अभी, तो नौ कषाय की छुट्टी कर दो, नौ नौ कषाय की, कषाय की बात चल रही है तो कितनी प्रकृतियां रही, 16। तो ये क्रोध मान माया लोभ चार प्रकृति, ये चार भाव है ना कषाय के, चार भाव क्रोध मान माया लोभ, इन चार भाव में किसको गर्भित करेंगे, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये आठ प्रकृतियों को गर्भित करेंगे, अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण को गर्भित नहीं करेंगे, उसका कारण अभी अभी आपको पता चलने वाला है। समझ में आ रही है? दूसरा बिंदु क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आ रहा, मैंने अनंत अनुबंधी, प्रश्न ये है देखिए, जैसे गति, गति चार भाव है, वो कौन से कर्म के उदय के निमित्त से था, गति नाम कर्म के उदय के निमित्त से था, था। अभी प्रश्न ये है, ये कषाय जो उत्पन्न होता है औदयिक भाव जीव में, वो कौन से कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, चरित्र मोह होगा, चरित्र मोह में भी नौ कषाय हटा दो, दर्शन मोह तो पहले हटा दिया अपने, तो उसमें से मैं ये कह रहा हूं यहां पर अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षनावरण नहीं लेना है आपको, प्रत्यक्षनावरण और संज्वलन यही दो लेना है। समझ में आया? हाँ, अभी अभी नहीं बोलेंगे अपन, उन आठों का क्या होगा अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षनावरण का, मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी चल रहा है अपना, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने, इन क्रोध मान माय लोग, ये चार कषाय में कितनी प्रकृतियां गर्भित हो गई, आठ प्रकृतियां गर्भित हो गई, अप्रत्यक्षान सॉरी प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माय लोभ और संज्वलन क्रोधमान माय लोभ, आठ प्रकृतियां गर्भित कर दिया अपन ने, किसमें, चार कषाय में। आगे बढ़ना है, ऐसा क्यों किया हमने, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण भी तो गर्भित हो सकती थी ना इसी में ही, क्योंकि क्रोधमान माय लोभ बोल रहे थे, आप समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन हमने गर्भित नहीं किया है, उसका कुछ कारण है। क्या कारण है, आगे मिथ्या दर्शन आया है, मिथ्या दर्शन सूत्र पढ़िए, आप सूत्र पढ़िए, एक सूत्र आया है, बोलो क्या सूत्र है वो, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असह्यत सिद्धत्व असिद्धत्व लेशा क्या है, चतुष त्रय कई 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 षड भेदा, ऐसा है ना सूत्र, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असह्यत, तो जो मिथ्या दर्शन है ना, मिथ्या दर्शन वो उसमें कितने कर्म गर्भित हो जाएंगे, गर्भित मतलब वो मिथ्या दर्शन तो जीव का भाव, कितने कर्म के निमित्त से वो मिथ्या दर्शन कहेंगे अपन, मिथ्या दर्शन में कौन कौन गर्भित होगा, दर्शन मोहनीय की प्रकृति गर्भित होगी, ठीक है, और दर्शन मोहनीय की प्रकृति गर्भित होगी और साथ साथ अनंतानुबंधी की भी प्रकृति उसमें गर्भित होगी। समझ में आ रहा है आपको? चलो मैं आ गया, हाँ बोलिए, अप्रत्यक्षनावरण फिर भी रहा है, अब उसका क्या होता है हम देखेंगे, हाँ बोलो क्या है, बोलो, दर्शन मोहने में क्या क्या कितनी प्रकृति ले लिया हमने, एक तो दर्शन मोह की एक प्रकृति, अभी 28 प्रकृति नहीं लेकर 26 प्रकृति ले लो, बंद नहीं योग्य, तो कौन से कर्म के उदय से, एक दर्शन मोह के उदय से ले लो। समझ में आ गया, ये जो मिथ्या दर्शन भाव हुआ
कौन से कर्म के उदय से हुआ? दर्शन मोह के उदय से हुआ. और अनंत अनुबंधी भी साथ साथ लगाना है आपको. अनंत अनुबंधी भी इसी में गर्भित होगा, दर्शन मोह में. उन दोनों के निमित्त से ये मिथ्यात्व हुआ. ऐसा कैसे मिथ्य दर्शन? क्यों? क्योंकि अनंत अनुबंधी प्रकृति है वह द्विस्वभावी प्रकृति है. द्विस्वभावी प्रकृति मतलब चरित्र का भी घात करती है और सम्यक्त्व का भी घात करती है. नहीं समझ में आ रहा है? आगम ये बोल, पता था ये, सुना है ये, बताया था, बहुत अच्छा. फिर मैंने क्या कहा? फिर अभी मैं मजबूती से बताऊंगा. जब बताया था पहले, मैं ये कह रहा हूं अनंतानुबंधी प्रकृति है वो द्विस्वभावी प्रकृति है. क्या करती है वो अनंतानुबंधी प्रकृति? वो चरित्र पर आवरण डालती है, सम्यक्त्वाचरण नहीं होने देती, सम्यक्त्वाचरण चरित्र, और सम्यक्त्व भी नहीं होने देती. द्विस्वभाव, द्विघाती प्रकृति है, द्विघाती स्वभाव प्रकृति है. ठीक है, बोलो. बस उतना थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है. कौन सी? दूसरे गुणस्थान में अनंत अनुबंधी का तो उदय रहता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का भी उदय नहीं आया है. पकड़ में आए? लेकिन कहने को वहां पर श्रद्धा भी मिथ्या ही तो कहते हैं अपन, दूसरे गुणस्थान में भी. अभी पूरा सीखना है. अच्छा, वो दूसरी क्लास सीख रहे. दूसरे गुणस्थान में भी मिथ्या दर्शन ही तो कहते हैं अपन, बोले मिथ्या दर्शन का उदय नहीं आया. समझ गए? बैठिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए भाई. अरे बता रहे, अभी इसमें कोई प्रश्न है तो बताओ. नहीं है? बोलो. अनंत अनुबंधी को गर्भित क्यों किया दर्शन मोह के साथ? क्योंकि दर्शन मोह और अनंत, अनंत का अर्थ ही है मिथ्यात्व. अनंत का ही अर्थ है मिथ्यात्व. मिथ्यात्व को साथ लेकर, मैंने बताया था मिथ्यात्व का अर्थ अनंत, तो मिथ्यात्व को साथ साथ चलती है ये. इनका संबंध पति पत्नी जैसा है, ये तो काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं ये. ठीक है, अनंत अनुबंधी कषाय वो मिथ्यात्व के होते हुए ही काम करती है, उसके बिना काम ही नहीं करती. और मात्र दूसरा गुणस्थान ऐसा एक अपवाद गुणस्थान है जहां पर मिथ्यात्व नहीं है. मिथ्यात्व को उदय तो नहीं है, लेकिन अनंत अनुबंधी का उदय है. लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा छह अवली तक होता है. सो उसकी बात मत करो अभी. इसके अलावा कहीं भी जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां अनंत अनुबंधी कषाय बैठी है. इसलिए अनंत अनुबंधी को अपन उसमें डाल दिया. और किस में नहीं डाला अपने अनंत अनुबंधी को? चार कषाय के संबंध में नहीं डाला अपने, यहां डाल दिया उसको. चलना है आगे. समझ में आ गया हो तो हाथ ऊपर करिए. ठीक है, अभी प्रश्न एक फिर भी रहा, अप्रत्यक्ष नवरण चतुष किस में डालना? तो आप बताइए किस में डालेंगे? 21 भाव गिनो सब. 21 भाव में से किस में डाल सकेंगे? गति में डाल सकेंगे? गति में डाल सकेंगे? नहीं डाला, गति हो गया. फिर गति में क्यों नहीं डाल सकेंगे? गति में अघाती कर्म संबंधी पूरी चर्चा की है हमने. गति में अघाती संबंधी चर्चा की है, क्योंकि जीव के स्वभाव का सीधा घात नहीं होता वहां पर. जीव का स्वभाव ज्ञानानंद दर्शन है, उसका घात होता है क्या अघाती कर्म के निमित्त से? कैसे नहीं होता? प्रूव करके दिखाओ. राइट, अरहंत भगवान के अघाती कर्म का उदय है, फिर भी स्वभाव का घात कहां हुआ? देखो, चाहे तो हम 47 कर्म भी डाल सकते थे गति में, क्योंकि वे भी जीव विपाकी प्रकृतियां है. लेकिन डाला इसलिए नहीं क्योंकि अघाती का वेदनीय और गोत्र ये तो अघाती कर्म थे, इसलिए उनको उनका एक डिपार्टमेंट बन सकता था, लेकिन घाती कर्म थोड़ी डाल सकते थे उसमें. समझ में आया? इसलिए घाती कर्म में तो अपन ने क्या किया? प्रत्यक्ष नवरण और संज्वलन चतुष्क ये तो कषाय संबंधी डाल रहे, कषाय चार में. और मिथ्या दर्शन में किसको डाल दिया? अनंत अनुबंधी को. अभी अप्रत्यक्ष नवरण बचे, उसको कहां डालेंगे? देखो अपन गिना, गति में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? अघाती है गति, तो ये घाती है गति. गति कषाय, कषाय में डाल सकते हैं? डाला ही नहीं अपन ने कषाय में उसको. नीचे के दो डाले हैं अपन ने, नीचे के दो डाले हैं कषाय. लिंग में डाल सकते हैं? लिंग में भी नहीं डाल सकते. लिंग में क्या डालना फिर? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताऊंगा अभी. लिंग में क्या डालना फिर? लिंग की चर्चा चाहो तो अपन कल करेंगे, छोड़ो. अब लिंग में भी नहीं डाला है अपन ने, या अभी समय मिला तो अभी भी कर सकते. लिंग में भी नहीं डाला गति, कषाय, लिंग. मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन में भी नहीं डाला. मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अज्ञान में भी नहीं डालेंगे. असह्यत में डाल सकेंगे? बिल्कुल डाल सकेंगे असह्यत में. कैसे?
क्योंकि असंयम जीव को होता है वो कौन से कर्म के उदय से होता है? अप्रत्यक्ष अनुरण के उदय से ही तो होता है। चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी का हो गया अनुदय, चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी का तो हो गया अनुदय, समझ में आया? और फिर अप्रत्यक्ष अनुरण का है उदय, आप समझ रहे हो? अप्रत्यक्ष अनुरण का वहां पर उदय है, ठीक है। इसलिए असह्यत में जाएगा अप्रत्यक्ष अनुरण, मिथ्या दर्शन में अनंत अनुबंधी को डाला, असह्यत में अप्रत्यक्ष अनुरण को डाला। मैंने अभी गलत बोला क्या? मिथ्या दर्शन में किसको? अनंत अनुबंधी को, असह्यत में अप्रत्यक्ष अनुरण को, और कषाय में प्रत्यक्ष अनुरण और संजोलन संबंधी चार चार को डाला। इज इट क्लियर नाउ? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़ो आगे, अभी पहले लिंग की चर्चा करते हैं। हे उपाधेय, तो अभी इसीलिए तो अपन ये खड़ा किया है, अभी इस पार ये आज पूरा करेंगे तो कल पहला प्रश्न होगा अपना हे उपाधेय का, क्योंकि ये समझे बगैर आप नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। बोलो क्या प्रश्न है, बोलो। इक्कीस नहीं हुए ना, 21 वेद नहीं हुए, 21 वेद। अभी तीन लिंग की चर्चा करते हैं, वैसे इनकी चर्चा तो चलेगी दो तीन दिन और, ये तो आज मैं क्यों ले रहा हूँ इसको, मात्र विभाजन करके दिखा रहे, फिर लिंग क्या है बाद में देखना है हमको। लिंग मतलब यहाँ पर द्रव्य लिंग नहीं लेना है, भावलिंग लेना है। अब भावलिंग मतलब वो कोई भावलिंग मुनिराज की भी बात नहीं है यहाँ पर, लिंग मतलब यहाँ पर वेद, लिंग मतलब क्या लेंगे? वेद। तो यहाँ पर द्रव्य वेद नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है भाव वेद। क्यों? क्योंकि द्रव्य वेद किसमें जाएगा बताओ आप मुझे, द्रव्य वेद किसमें चला जाएगा? पुद्गल विपाके, वेरी राइट, द्रव्य वेद पुद्गल विपाके में जाएगा। ध्यान रखना, द्रव्य वेद मिलता है नाम कर्म के उदय से, और भाव वेद किससे मिलता है? बोलिए, भाव वेद मिलता है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वो स्वयं है नौ कषाय, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद क्या है? अरे है कि नहीं नौ कषाय, तो किसके उदय से होगा ये? चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होगा ये। द्रव्य वेद और भाव वेद में फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको? द्रव्य वेद किससे मिलता है संकेत? ये जो पुरुष का आकार मिला किससे मिला? नाम कर्म के उदय से। और जो अंदर का पुरुष वेद है, भाव पुरुष वेद, वो किससे मिलता? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से मिलता है, नौ कषाय है वो। तो उस तीन लिंग में हम किसको गर्भित कर सकेंगे, सोचो मुझे बताओ, तीन लिंग में किसको नौ नौ कषाय। आप तो सब समझ गए भाई, सब समझने लग गए आप तो। तीन लिंग में किसको गर्भित किया? नौ नौ कषाय को, ठीक है। मिथ्या क्या क्या रहा? क्या गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान। अभी अज्ञान में कौन कौन से कर्म गर्भित हो सकते हैं? अज्ञान में कौन कौन से कर्म गर्भित हो सकते हैं, मतलब अज्ञान ये जो अवधिक भाव है, यह कितने कर्मों के उदय के निमित्त से बना है, अथवा कितने भावों को मिलकर हम अज्ञान में डाल रहे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, उसकी चर्चा करनी है दो तीन दिन बाद। अज्ञान में अवधिक भाव अदर्शन भी लिख सकते थे, आपको समझ में आ रहा है? अवधिक भाव में 21 में अदर्शन भी लिख सकते थे कि नहीं? तो किस में गर्भित करना उसको? अदर्शन में, अज्ञान में गर्भित करना। तो ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां, दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां, और अंतराय की पांच प्रकृतियां, इन समस्त प्रकृतियों को किस में गर्भित करना? अज्ञान में, ठीक है। बाकी की तो मोहनीय में गर्भित, मिथ्या दर्शन, असंयत और कषाय और लिंग, इनमें तो मोहनीय की सभी गर्भित कर दी। ए मोहनीय की 28 प्रकृतियां किस में गर्भित कर दी? मोहनीय की 28 प्रकृतियां किस में गर्भित कर दी? कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, असंयत, ओके। और ज्ञानवरण, दर्शन और नांतरे की तो गर्भित नहीं कर पाए थे अभी तक, वो अज्ञान में डाल दिया अपन ने सब। अभी क्या बचा?
अभी क्या बचा? असिद्धत्व बचा, और क्या बचा? लेश भी बची। कौन कौन से दो बचे? असिद्धत्व में क्या क्या आएगा और लेश में क्या क्या आएगा, ये बचा ना अभी। तो देखो अभी तक हमने कौन से कर्मों की चर्चा नहीं की है? आयु कर्म की हमने चर्चा नहीं की है अभी तक, नहीं किया ना, आयु किसी में भी नहीं डाला है। तो जितने भी कर्म बचे हैं अभी, जितने भी कर्म बचे हैं वे सब आयु कर्म में आप डाल सकते, सॉरी असिद्धत्व में आप डाल दो। क्यों? असिद्धत्व चलता है 14 गुण स्थान तक। तो अघाती की जितनी भी प्रकृतियां है, इवन वेदनीय और गोत्र भी किसी अपेक्षा से आप असिद्धत्व में डाल सकते हैं। नाम कर्म भी किसी अपेक्षा से आप असिद्धत्व में डाल सकते हैं। क्यों? वो 14 गुण स्थान है असिद्धत्व, घाती कर्म का तो अभाव हुआ, तो अघाती कर्म संबंधी समस्त आप असिद्धत्व में डाल सकते हैं उसको। कितने जनों को प्रकरण समझ में आ रहा है? समझ रहे एकांश अच्छे से? स्वर्णिम प्रकरण समझ रहे अच्छे से? हाँ बोलिए। असिद्धत्व में किस किस को डाल सकते हैं? वैसे हमने गोत्र और वेदनीय तो डाल चुके हैं, हम किस में डाल चुके हैं? गति में। लेकिन डालना हो तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं असिद्धत्व में। क्यों डाल सकते हैं यहाँ पर? 14 गुण स्थान तक असिद्धत्व रहता है, 14 गुण स्थान तक असिद्धत्व है, तो वेदनीय आयु नाम गोत्र की समस्त प्रकृतियां अपन यहाँ पर असिद्धत्व में डाल सकते हैं। अभी बचा विषय किसका? फिर लेश में किसको डाले? लेश में किसको डाल सकते हैं? योग को डाल सकते हैं लेश में, योग आदि को। लेकिन लेश की चर्चा हम अलग से जिस दिन करेंगे उस दिन मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, आज कुछ भी नहीं बोलेंगे लेश संबंध में। ओके, बस आज चर्चा बस करते हैं, कोई प्रश्न होगा तो कल देखेंगे। और इसमें से कल सबसे पहले कौन सा प्रश्न देखना है हमको? बंध के ये 21 प्रकार के जो औदयिक भाव है उसमें से बंध के कारण कौन है, इसलिए कौन कौन से है, ये कल अपने को आते ही देखना है। ठीक है, इसके लिए मैंने पहला पूरा आज आपको चार्ट समझाया ताकि आपको विषय वस्तु पकड़ में आए। ठीक है, और फिर कषाय की तरफ बढ़ेंगे कल। ओम नमः।